भारत के अलावा विदेशों संविधान निर्माता में बाबा साहेब आम्बेडकर की लगभग 20 मूर्तियां हैं। बाबा साहेब की मूर्तियां 5 महाद्वीपों अर्थात एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में स्थापित की गई हैं। हाल ही में रूस के मॉस्को में भी दलित साहित्यकार अन्ना भाऊ साठे की एक प्रतिमा लगाई गई है। 28 सितंबर 2022 को मॉरिशस के मौका शहर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के प्रांगण में आम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया तथा मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपम ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। पहली बार राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति ने विदेश में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया है। अनावरण के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन, उप प्रधानमंत्री लीला देवी डुकून, विदेश मंत्री एलन गानू, मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अध्यक्ष असंत गोविंद, मॉरिशस के मौका के जिला काउंसिल के अध्यक्ष सुधीर चंद्र सूनराणे, नितिन बाप्पू और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। साथ ही भारत से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों में भारत के केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, वरिष्ठ पत्रकार एवं विचारक उत्तम कांबले, महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री तथा विधायक नितिन राउत, सावित्रीबाई विश्वविद्यालय के कुलपति विजय खरे, आभास थोराट, पुणे के उप महापौर डॉ सिद्धार्थ धेंडे, प्राचार्य प्रकाश कुंभार, सुरेश गोरेगांवकर, श्रीमती सीमा आठवले आदि उपस्थित थे। पुणे के फुले शाहू आम्बेडकर विचार प्रसारक मंडल भोर द्वारा महामानव बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति को मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन को भेंट किया गया है। बाबा साहेब आम्बेडकर की इस प्रतिमा का अनावरण समारोह मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन द्वारा मौका मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी संस्थान में आयोजित इस समारोह में महामानव बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल सोशल वर्क अवार्ड से सिद्धार्थ धेंडे, प्रसन्न देशमुख, संतोष बारणे, सुवर्णा पवार, सुरेश गोरेगांवकर आदि को मॉरिशस के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। बाबा साहेब की इस प्रतिमा की एक खास बात यह है कि भारतीयों ने धन जुटाकर इस प्रतिमा का निर्माण किया और उसे मॉरिशस को भेंट में दिया है। रामदास आठवले ने मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन से अनुरोध किया है कि मॉरिशस सरकार मॉरिशस में बाबा साहेब आम्बेडकर के भव्य स्मारक के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराए। हाँ, मॉरिशस में बाबा साहब की प्रतिमा लगाए जाने की सुखद खबर सुनी जा रही है, वहीं इस संबंध में एक गलत बात भी सामने आई है। मॉरिशस में बाबा साहब आम्बेडकर की इस मूर्ति की नेम प्लेट पर बहुत गलत तरीके से बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ऐसा लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नाम में क्या गलत है। हम आम्बेडकर के लिए बाबा साहब नाम का प्रयोग सर्वनाम के रूप में करते हैं, इसलिए भीमराव नाम की जगह इसका बाबा साहब इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नाम के साथ नहीं। इसलिए उनका नाम या तो बाबा साहब आम्बेडकर लिखना चाहिए या भीमराव आम्बेडकर। उनकी नेम प्लेट पर डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर या बीआर आम्बेडकर लिखा जाता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती। यह आश्चर्य की बात है कि बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने वाली समिति को यह पता नहीं कि बाबा साहब नाम सही तरीके से कैसे लिखा गया है। कई हिंदी भाषी लोग बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर और बाबा साहब आम्बेडकर इस तरह गलत नाम लिखते हुए भी पाए जाते हैं। वैसे इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए कि आम्बेडकर सही वर्तनी वाला शब्द है, अम्बेडकर या अम्बेडकर गलत वर्तनी है।